वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी कम होती है क्या? वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना है। वैक्सीन लेना है क्या? प्लीज स्टॉप दिस। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह सोलंकी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं वैक्सीनेशन के ऊपर बात करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं 6 टॉपिक को एड्रेस करूंगी। पहला, कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड। सेकेंडली, किन लोगों को ये वैक्सीन लेनी है और किन को नहीं लेनी है। तीसरी बात कि क्या क्या मिथ्स हैं इस वैक्सीन को लेके। चौथा, वैक्सीन सेंटर पे कोविड से कैसे बचें। पांचवा, पोस्ट कोविड सिम्टम्स को कैसे हैंडल करना है। और लास्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वैक्सीन में हम कोवैक्सीन लें कि कोविशील्ड लें। तो इन सब लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे एक डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है तो वो उस समय उस तिनके से सवाल जवाब नहीं करता है, उसी तरह से ये वैक्सीन हमारे लिए एक तिनका समान है और अभी हम और इस देश की जनता डूब रही है और हम उस वैक्सीन से सवाल नहीं करेंगे कि हम ये वाली लें कि दूसरी वाली लें। इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लेना है। और ये बहुत जरूरी है कि ये सब लोग इस बात को अच्छे से समझें कि कितना इम्पोर्टेंस है इस समय वैक्सीनेशन का। इस टॉपिक पे मैं आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहती हूँ। कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद जितने लोग पॉजिटिव हुए उनका परसेंटेज 0.04% था और सेकेंड डोज के बाद भी 0.04% था। कोविशील्ड की फर्स्ट डोज के बाद जितने लोग पॉजिटिव हुए उनका परसेंट मात्र 0.02% था और सेकेंड डोज के बाद 0.03% था। अब इन स्टैट से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इस समय वैक्सीनेशन का। तो चलिए हम दोनों वैक्सीन के कॉम्पोजिशन को कंपेयर करते हैं। जो कोवैक्सीन है उसके अंदर एक डेड वायरस पार्टिकल है, इट्स अ पावरलेस वैक्सीन। ऑन द अदर हैंड जो कोविशील्ड है उसमें स्पाइक प्रोटीन को वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों में कॉमन यही है कि इन दोनों में कोई भी लाइव वायरस पार्टिकल नहीं है। दोनों के रेजीम भी काफी सिमिलर है, दोनों को 0.5 ml हमें इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करना है। कोवैक्सीन का डोसेज आप जो फर्स्ट डोज लेते हैं उससे 4-6 वीक्स बाद आप सेकेंड डोज लेंगे। कोविशील्ड में अकॉर्डिंग टू WHO 10-12 वीक्स का इंटरवल अगर वो दो डोज के बीच में तो इफेक्टिविटी उसकी ज्यादा है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 6-8 वीक्स को भी अप्रूव किया है तो हम यही फॉलो करेंगे कि हम फर्स्ट डोज लें उसके 6-8 वीक्स के बाद, उसके अराउंड इनफैक्ट हम सेकेंड डोज लें। तो अगर आप इसमें फंसे हुए हैं कि हम कंपेयर करें कि हम कौन सी वैक्सीन लेते हैं एंड मार्केट में बहुत से ऐसे स्टैट्स हैं कि ये वैक्सीन इतने परसेंट इफेक्टिव है, ये उतने परसेंट इफेक्टिव है, तो इस बात को समझिए कि एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस में डिफरेंस होता है। एफिकेसी वो होती है कि जो हमने ट्रायल्स किए हैं उसमें वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रही, लेकिन वो वैक्सीन एक पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर कितनी इफेक्टिव होगी जब हम मास वैक्सीनेशन करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये जो भी मार्केट में नंबर्स हैं हमें इनके पीछे नहीं भागना है और इस समय हमारी बेस्ट बेट यही है कि हमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल है हम उसको ले। बट मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप ब्लड थिनर्स के ऊपर हैं तो वैक्सीनेशन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करें। ऑल्सो आप अपना कोगुलेशन प्रोफाइल INR एंड एवरीथिंग एक बार जरूर चेक करें। एंड यहाँ पे कोवैक्सीन हैज अ लिटिल एज ओवर द कोविशील्ड, बट इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ द वैक्सीन्स आर इक्वली इफेक्टिव। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीनेशन के लिए कैसे रजिस्टर करना है। आपको कोविन साइट पे जाना है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना है और OTP से लॉग इन करना है, उसके बाद आधार से उस अकाउंट को लिंक करना है और आपकी एज अगर 45 के अबव है तो आपको चांसेस है कि आप वॉक इन करके भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं,
लेकिन अगर आप 18 और 45 के बीच में हैं, तो फिर आपका कोविन पे अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, अनलेस एंड अंटिल आपके चाचा विधायक हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन लोगों को वैक्सीन लेना है और किन लोगों को अवॉइड करना है। सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी है। लेस देन 18 इयर्स किसी को भी वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हमारे पास उसमें कोई भी रिसर्च डेटा नहीं है। सेकेंडली, उन लोगों को नहीं लेनी है जिनको वैक्सीन के किसी भी कॉम्पोनेंट से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई फूड एलर्जी है या कोई ड्रग एलर्जी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोविड वैक्सीन के किसी कॉम्पोनेंट से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। आप किन लोगों को लेनी है, ये दो कैटेगरी छोड़ के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लेनी है। जी हाँ, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे वो बीपी का पेशेंट हो, टीबी हो, कैंसर हो, एचआईवी हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, कुछ भी हो, सब किसी को वैक्सीन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस मिथ में मत पड़िएगा कि मुझे कैंसर है तो मेरी इम्यूनिटी कम है या मुझे डायबिटीज है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसलिए इन लोगों को तो इनफैक्ट और ज्यादा जरूरत है वैक्सीन लेने की। एक और चीज का ध्यान रखना है कि कोविड वैक्सीन के साथ अगर आप कोई और वैक्सीन ले रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, एचपीवी या कोई भी एक्सवाइजेड वैक्सीन ले रहे हैं, उसके बीच में 14 डेज का गैप होना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मैं यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में मिथ्स हैं और जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहूंगी। सबसे पहला मिथ ये है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब तो मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इम्यून हो गई। जी नहीं, वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देता है कि आप सीवियर कोविड में न लैंड करें। जैसे हम बचपन में बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं जिससे हमें लंग टीबी से प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ब्रेन टीबी से प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरह से ये वैक्सीन हमें एक सीवियर कोविड और दैट इज हमारे जो चांसेस है एक आईसीयू बेड में लैंड करने के उसको कम कर देते हैं। ये 100% गारंटी नहीं करती है कि आपको कोविड नहीं होगा वैक्सीन लेने के बाद। ऑब्वियसली चांसेस कम है होने के, बट अगर हुआ भी तो माइल्ड ग्रेड में ही रहेगा और जिसको आप होम मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत ही अमेजिंग मिथ है कि वैक्सीन लेने के एक दो दिन तक हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर हम वैक्सीन ले ही क्यों रहे हैं? पर्पस क्या है वैक्सीन लेने का? द ओनली पर्पस हम वैक्सीन इसलिए ले रहे हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं ना, तो दैट मिथ डजंट स्टैंड एनीवेयर। इसके बाद एक बहुत ही बोगस मिथ आजकल चला है कि पीरियड्स में वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या फिर वैक्सीन लेने से ब्लड फ्लो बहुत बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और कहाँ से आते हैं ऐसी बातें लेके, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। वैक्सीनेशन का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, उसके ब्लड फ्लो से और या फिर उसके क्लॉट फ्लो से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं तो भी डजंट मैटर, प्लीज गो टेक योर वैक्सीन। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या हम वैक्सीनेशन के बाद अल्कोहल पी सकते हैं? तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कहती है कि आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें, बट अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जो हार्डकोर ड्रिंकर्स होते हैं, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। ऑल्सो आप वैक्सीनेशन के बाद, सबको पता है पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स होते हैं, तो सपोज आपने वैक्सीन लगवा ली और फिर आपने अल्कोहल का कंजम्पशन कर लिया और आपको कल सुबह फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हैंगओवर है कि पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स है? एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप अगर एक दो दिन अल्कोहल नहीं पिएंगे तो आई डोंट थिंक इतना इफेक्ट पड़ेगा, सो प्लीज अवॉइड अल्कोहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि वैक्सीन लगाने से इम्पोटेंसी होती है या इनफर्टिलिटी या मिसकैरेज के चांसेस हैं? तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। देन मुझसे लोगों ने पूछा कि वैक्सीन के बाद ब्लड डोनेशन का क्या सीन है? तो पहले गवर्नमेंट ने 28 डेज का गैप बोला था वैक्सीनेशन एंड डोनेशन में, एंड अभी एक नई अपडेट आई है जिससे उस गैप को 14 डेज का कर दिया गया है, कीपिंग इन माइंड द राइजिंग डिमांड ऑफ द ब्लड। देन पीपल आस्क मी कि कोविड हो गया उसके बाद भी क्या हमें वैक्सीन लेनी है? तो यस, अगर सपोज आपको
कोविड हो गया और अभी तक आपने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, तो कोविड से रिकवर करने के मिनिमम 4 वीक्स के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो, आपने एक डोज वैक्सीन ले रखी है और फिर आपको कोविड हो गया, तो भी सेम चीज अप्लाई होगी, आप उससे रिकवर करिए, उसके 4 वीक्स बाद आप वैक्सीन लीजिए। तीसरा सिनेरियो ये कि आपने दोनों डोजेस ले रखे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आपको कोविड हो गया, तो क्या आपको रिपीट करनी है वैक्सीनेशन? नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन को फिर से लेने की, दैट मच 2 डोजेस इज सफिशिएंट। देन आई वुड लाइक टू एड्रेस की पूरी इम्यूनिटी इंसान को कब मिलती है वैक्सीनेशन के बाद। फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के बाद भी प्रोटेक्शन काफी हद तक होता है, लेकिन आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है सेकेंड डोज लगाने के अराउंड 14 डेज बाद। देन मूविंग ऑन, मुझसे ये पूछा गया कि क्या हमें अभी स्पुतनिक वैक्सीन का वेट करना चाहिए। मार्केट में बहुत से नंबर्स हैं कि ये कम एफिशिएंट है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, बट फॉर नाउ हमें वेट नहीं करना है, अगर हमें मिल रही है तो हमें ले लेनी है वैक्सीन। दूसरी चीज ये थी कि लोगों ने क्वेश्चन किया कि वैक्सीन का प्रोडक्शन इतनी फास्ट हुआ, सो हम ट्रस्ट कैसे करें कि वो एफिकेशियस है। तो ये आप लोग समझिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि 24 घंटे सारे डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स उस पर लगे रहे हैं, बहुत ही विग्रस तरीके से उस पर रिसर्च की गई है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं हुआ है, सारे ट्रायल जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं उसको हमने किया है, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। तो इस तरह की शक या आशंका अपने मन में नहीं रखनी है कि हमने गवर्नमेंट ने इसको जल्दबाजी में बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जो भी वैक्सीन एज अ फर्स्ट डोज लिया है, सपोज कोवैक्सीन ली है, तो सेकेंड डोज में भी आपको कोवैक्सीन ही लेनी है, आपको शफल नहीं करना है। ऑब्वियसली ये कोविन पे रजिस्टर हो जाता है कि आपने कौन सी ली है, बट प्लीज मेक श्योर आप सेकेंड डोज ले रहे हैं उससे पहले आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो सेम वैक्सीन है, सेम ब्रांड है जो आपने फर्स्ट डोज में ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे अपने आप को कोविड इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आजकल ओवर क्राउडिंग बहुत हो रही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके वहां जाएं एंड वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वहां पे वो आप अपने मास्क को अपने हाथ से टच ना करें और सैनिटाइजर्स यूज करते रहें, एंड एज सून एज आप उस जगह से बाहर निकलते हैं आप अपना मास्क चेंज करें, एक फ्रेश और न्यू मास्क लगाएं और जो लगाया रखा था उसको डिस्कार्ड करें। अब मैं बात करूंगी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इंसान को जब वो कोविड वैक्सीन लेके आता है। उसमें होता है फीवर, बॉडी एक, वैक्सीनेशन साइट पे पेन होना, कुछ लोगों में नौजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी पाए गए हैं, हेडेक, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। इसको टैकल करने का सिंपल और इजिएस्ट तरीका है हमारा जो सुपरमैन मेडिसिन है अभी, पैरासिटामोल। आप डोलो 650 mg कंज्यूम करें, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ विद पेन किलर्स बिफोर वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं उससे पहले ही बहुत सारी पेन किलर्स नहीं खा लेनी है, क्योंकि पेन किलर्स आपके इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं और जो ऑल टाइम पेन किलर्स पे हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूंगी कि वैक्सीन लेने से 2-3 दिन पहले अपनी पेन किलर स्टॉप कर दें, वैक्सीन लें, फिर उसके 1 दिन बाद अपनी पेन किलर्स शुरू कर दें। सिमिलरली सेकेंड डोज में भी वो ऐसा ही करें। एंड आप पैरासिटामोल खाइए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, आप रेस्ट लीजिए, ये सिम्टम्स 1-2 दिन में चले जाएंगे। बहुत लोग ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि उससे पैरालिसिस हो जा रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्लॉट्स बन जा रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं जिसका बस हवा बनाया जा रहा है। तो आप प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करिए और प्लीज अपना वैक्सीनेशन लीजिए। अब मैं बढ़ती हूँ अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है वैक्सीनेशन इन अ प्रेग्नेंट लेडी एंड अ लैक्टेटिंग मदर। अकॉर्डिंग टू FIGO गाइडलाइंस, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, एंड RCOG गाइडलाइंस रिकमेंड कर रहे हैं कि अब बोथ प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर शुड टेक द वैक्सीन्स। प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो जाता है तो 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि द लेडी विल लैंड इन ICU। तो इस डेट्रीमेंटल इफेक्ट को बचाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
उपाय यही है कि हम वैक्सीन लें। वैसे भी वैक्सीन जो हम प्रेगनेंसी में देते थे, जैसे TDP देते हैं, टिटनेस पर्टुसिस डिप्थीरिया की वैक्सीन हो गई, या इन्फ्लुएंजा के टाइम पे जो हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते थे, ये सब डेड एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी। एनीवेज हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। तो सिमिलरली ये वैक्सीन भी डेड वैक्सीन ही है, तो हमें इन्हें लेने में कोई हार्म नहीं। ऑल्सो हम जनरली वैक्सीन इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते थे, बट अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है जो कि कह रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लें, बिकॉज अभी जो पैंडेमिक है इसके साथ हम रिस्क नहीं कर सकते। सो बेटर ये है कि हम वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल ले लें। सेकेंडली, लैक्टेशन में भी हमें वैक्सीन लेनी है। इसका एक और फायदा ये है कि जो भी एंटीबॉडीज हमारी बनेगी वो बेबी में भी ट्रांसफर होगी, जिससे उसे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। थर्डली, जो लेडीज IVF प्लान कर रही हैं वो, और या फिर जो कंसीव करना चाह रही हैं, वो भी इस वैक्सीन को ले सकती हैं। इसके अगेंस्ट भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। थैंक यू एवरीवन, आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो भी सवाल थे उनको एड्रेस किया है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से जरूर कन्विंस हो गए होंगे कि आपको जाके वैक्सीन लेनी कितनी जरूरी है। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट योर जॉब।